मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बार मीडिया से बातचीत की। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कोरोना के काबू में होने की बात कही। साथ ही मंत्री ने पेगासस जासूसी मामले में कमलनाथ के ट्वीट पर जवाब दिया और उनके दिग्विजय सिंह से सलाह लेने की बात कही। शराब माफियाओं पर सख्ती से लेकर आगामी चुनाव में भी जीत का दावा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, सुनिए। मध्य प्रदेश में आज पूरे में 15 नए कुल प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं। 32 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों के लिए गए। 172 कुल एक्टिव केस पूरे प्रदेश के अंदर बचे हैं। 76,719 सैंपल कल लिए गए, जैसा हमारा संकल्प है कि कोरोना का फन जहां भी उठेगा वहीं कुचल देंगे। सैंपल लेने में कोई कोताही नहीं आ रही है। 0.019% संक्रमण दर रह गई है कुल, और रिकवरी रेट ठीक होने की दर हमारी 98.6% मध्य प्रदेश में। वैसे तो बधाई मोदी जी को पुनः देनी है कि 41 करोड़ से ज्यादा हमारी वैक्सीन लग गई, विश्व में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाले राष्ट्र हम हो गए हैं। तीसरी लहर ना आए इसका संकल्प लिए हुए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखो, दो दो पद पर वो बैठे हैं और जिनकी वजह से उनकी कुर्सी खतरे में आई थी, आदरणीय दिग्विजय सिंह, वो इस पर उनको ज्यादा मार्गदर्शन दे देते अगर वो इस बारे में पूछ लेते। ये जो दिग्विजयी बादल जो संकट के छाए थे ना उन पे और जो बरस गए, वही बादल फिर छाए हुए हैं इनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर। ये उससे थोड़ा अपने आप को बचाएं। देखो, ये भ्रम भी इंच उपचुनाव में दूर हो जाएगा। दमोह की परिस्थितियां अलग प्रकार की थी। दूसरी वेव के कारण से हमारे मुखिया और अन्य लोग प्रचार से अलग हो गए थे, ये जाते रहे थे। ये वेव अलग प्रकार की है। देश में कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है, ये सब समझ रहे हैं। डूबती नाव में कौन बैठेगा? विपक्ष के विधायक चुनने से सरकार तो बनेगी नहीं, तो वो अपने क्षेत्र के विकास को क्यों तरजीह नहीं देगी? मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक और समझदार है, वो भाजपा को ही चुनेगी।